हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम भास्कर। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल भास्कर सर। और आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो कि बिलोंग्स करता है ग्रेड ऑफ पाउडर्स से। जी हां, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड ऑफ पाउडर्स। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रेड ऑफ पाउडर्स में एज पर IP स्पेसिफाई 5 ग्रेड्स ऑफ पाउडर। द फर्स्ट वन इज नोन एज कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर्स वो पाउडर्स होते हैं जो कि 10 नंबर सीव से पास आउट हो जाते हैं, परंतु 44 नंबर सीव से उसका सिर्फ 40% ही पास आउट हो पाता है। उसके बाद हमारे आते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो कि 22 नंबर सीव से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर उसी सेम पाउडर को हम 60 नंबर सीव से पास आउट करें तो वो 40% से ज़्यादा पास आउट नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद आता है मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर्स आर दोज पाउडर्स विच आर पास थ्रू 44 नंबर सीव बट नॉट मोर देन 40% पास थ्रू 85 नंबर सीव। इसके बाद आपका आता है फाइन पाउडर जो कि 85 नंबर सीव से पास आउट हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका वेरी फाइन पाउडर जो कि 120 नंबर सीव से पास आउट हो जाता है। अगर हम बात करें इसको माइक्रोमीटर और MM में, तो ये जो कोर्स पाउडर होता है वो 1.70 mm माइक्रोमीटर मिलीमीटर में होता है। उसके बाद में आता है आपका मॉडरेटली कोर्स पाउडर जो कि 710 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद में मॉडरेटली फाइन पाउडर जो कि 355 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद में फाइन पाउडर जो कि 180 माइक्रोमीटर का होता है। उसके बाद में 125 माइक्रोमीटर जो कि वेरी फाइन पाउडर कहलाता है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों को डाउट होगा ये सीव नंबर कैसे है, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ सीव नंबर जो बनते हैं। आप देखिए यहाँ एक देख सकते हैं एक रेक्टेंगल, इसके अंदर से हमने दो वायर पास आउट करी हैं और इस वायर को पास करने की वजह से कितने इसमें 4 खाने बन गए, तो ये कहलाएगा सीव नंबर 4 और मैस 4। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम स्क्वायर हमने लिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ वायर्स हमने ज़्यादा निकाले हैं जिसकी वजह से इसमें 9 खाने बने हैं, तो इसको हम नाम देंगे सीव नंबर 9। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम सीव नंबर्स को नाम दे सकते हैं। और ये जो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जैसे जैसे सीव नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल साइज घटेगा। सीव नंबर बेसिकली क्या है, एक तरह से छलनी होती है, छानना होता है। आप उसको छलनी में छानोगे तो वो महीन पाउडर क्या है, छोटा छोटा पाउडर उसमें से निकलता जाएगा। सबसे बड़ा पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल, फिर उससे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा पार्टिकल और लास्ट में सबसे छोटा पार्टिकल इसमें आएगा। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक्चुअल में ये आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये शेप नहीं है, एक्चुअल में ये शेप है। इन सब का जो अपर्चर है, डायमीटर है, वो सेम है, बस इसमें नंबर ऑफ़ वायर्स आपके नीचे बढ़ते जाओगे तो नंबर ऑफ़ वायर्स बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है नंबर ऑफ़ मैस बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ मैस बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ़ सीव्स बढ़ जाएंगे। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, इसका रिजल्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि एज सीव नंबर इंक्रीजेज, जैसे ही सीव नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या है पार्टिकल साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसको और इजी भाषा में समझने के लिए हम कह सकते हैं सीव इज डायरेक्टली, सीव नंबर आएगा यहाँ पे, सीव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज, यानी कि सीव नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्टिकल साइज घटता जाएगा। इसको दोस्तों थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, ये सीव नंबर है, ठीक है, सीव नंबर। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर।